लेकिन सर ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के दो चार लोग कहते होंगे। दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने ही परिवार के सदस्य का किसी का नाम न जानते हो? बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जिनके जब भी मैं इंटरव्यू सुनता हूं वो यही बोलते हैं कि बॉलीवुड जो है इसके अंदर जो सदस्य हैं वो हमारा एक परिवार है। लेकिन मैं आज आपको ऐसे कुछ क्लिप दिखाऊंगा जिसके अंदर जो छोटे से गांव से या शहर से जो लड़के बॉलीवुड में गए हैं उनके नाम तक नहीं जानते ये हिजड़े। ये उनको कभी प्रमोट नहीं करने देते, कोई मूवी की प्रमोशन नहीं करने देते, किसी तरह से उनको स्टैंड नहीं होने देते बॉलीवुड में, और ऊपर से बोलते हैं कि हमारा एक परिवार है। आप लोगों से सिंपथी लेने के लिए ये सब बोला जाता है, लेकिन हकीकत जो है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों एक शो हो रहा था, अवार्ड शो हो रहा था, जिसके अंदर शाहरुख खान बोलते हैं कि कौन सुशांत, मैं नाम नहीं जानता। देखिए आप वीडियो क्लिप। सुशांत सिंह राजपूत सर, सुशांत ऊपर आजा, आजा आजा। आ जाओ। हेलो। फिर बोल क्या है, क्या नाम हम क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? नाम है सर। नाम है क्या ये? सुश प्रोनाउंस नहीं किया जाता मुझसे तो। सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है, शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा? वैसे सर लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है, बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, पतंग भी उड़ाता है, और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है। लेकिन सर ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के दो चार लोग कहते होंगे। उसके बाद में इसके साथ एक हिजड़ा और नाच रहा है, ठीक है, इस हिजड़े को भी आप जानते होंगे। डांस की बात हो रही थी। हाँ सर। तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि शायद से बड़े डांस करो, तुम्हारे सामने डांस की बात कोई कर सकता है यार? सर आप भी नहीं, बिल्कुल नहीं यार, तुम हम्बल मत बनो यार। तुम बताओ इसको कि बॉस कौन है डांसिंग का? नहीं सर मैं आपके सामने नहीं डांस। नहीं, यू हैव टू डांस एंड शो एवरीवन। नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा फिर रहने दे। नहीं मतलब मैं कर रहा हूँ ना सर, मैं कर रहा हूँ। थोड़ा साइड हो जाइए, इधर आओ। तुम इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? सर बहुत डेंजरस स्टेप्स हैं तो थोड़ा जगह दे दीजिए मुझे। सेंटर में खड़ा। हाँ सर मैं आ गया। 1 2 1 2 3 4 देखा? जब डांस करता है तो इसके लिए, डांस के लिए एक गाना प्ले होता है बैकग्राउंड। लेकिन उसके बाद में सुशांत से पूछा जाता है कि क्या आपको भी डांस आता है? तो जाहिर सी बात है कि जो जिनके माँ बाप बॉलीवुड में हैं सिर्फ डांस उनको नहीं आता है, डांस एक कला होती है, सबको आता है। लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत डांस के लिए रेडी हुए तो इन लोगों ने क्या किया देखिए। कुछ सीखे बॉस से तुम? कुछ सीखे डांस वांस? मैंने सुना तुम कर रहे हो। कर लूंगा सर। क्या कर? थोड़ा अलग है लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। तेरे अंदर भी शायद की तरह ऐसी लड़की छुपी हुई है कोई? सर वैम्प, सर वैम्प। बड़ा लाइक दैट। आफ्टर द शो वी विल टेक अ लेट। आई एम फ्री सर। क्या कह रहे सर? बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है तेरे में। हां सुश तो चलो। 1 2 3 4 रोते हुए को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे। थोड़ा अलग। अरे क्या अलग अलग, तेरा ही तो गाना था, बजाया है तूने, ये डांस किया बेकार में। हट, मेरे को डांस होता है? सर इसको डांस नहीं आता सर, कोरियोग्राफर को बुलाते हैं। कोरियोग्राफर यहां पर आओ।
लेडीज एंड जेंटलमैन, रेमो वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स इन द कंट्री, यार इसको लेके जाओ और इसको दो तीन साल तक डांस सिखाओ। Take him away and 2 years, don't let him come back to Bollywood. और हर गलत स्टेप पे एक साल बढ़ा देना। क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने सही किया है? क्या आपको लगता है कि ये हिजड़े बॉलीवुड में जितने भी लोगों की एंट्री हुई है उनको एक परिवार समझते हैं? क्यों सुशांत सिंह राजपूत की इतनी बेइज्जती की गई इतने बड़े मंच के ऊपर? क्यों? जब तक आप इन हिजड़ों का बायकॉट नहीं करेंगे ना, तब तक आपके गांव से, आपके शहर से, आपके मोहल्ले से कोई भी बॉलीवुड में स्टार नहीं बनेगा। यहां पर टैलेंट बहुत कम है, टैलेंट की वजह से स्टार बनने वाले को स्टार नहीं बनने दिया जाएगा। जब तक आप शाहरुख खान हैं, करण जौहर है, सलमान खान है, आलिया भट्ट है, महेश भट्ट है, शाहरुख खान, इन सब लोगों को जब तक आप बायकॉट नहीं करेंगे तब तक असली टैलेंट आपको पर्दे के ऊपर देखने को कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सब एक हो गए, इनको हर जगह से अनफॉलो कर दिया, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, अगर इनको अनफॉलो कर दिया, इनको स्टार बनाता कौन है? स्टार आप लोग बनाते हैं, छोटे छोटे गांव वाले बनाते हैं, शहर वाले बनाते हैं, मोहल्ले वाले बनाते हैं, और ये खुद को स्टार समझते हैं। और फिर इन्हीं सदस्यों के सामने जिन्होंने स्टार बनाया है, जो बचपन से इनको देखते आ रहे हैं, इनकी मूवी देखते आ रहे हैं, उनको ये इतना मजबूर कर देते हैं, उनकी ये बेइज्जती करते हैं कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। मैं चाहता हूं कि इन लोगों का बायकॉट होना चाहिए। इस वीडियो क्लिप के अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की एडिटिंग हो तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट में। बिल्कुल जेन्युइन चीज है ये। अब ये नल्ले टैलेंट मैं बता दूं किसके अंदर है। टैलेंट नाना पाटेकर में है, धर्मेंद्र में है, सनी देओल में है, अमिताभ बच्चन में है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी में, सुशांत सिंह राजपूत जो कि हमारे बीच नहीं रहे, कंगना रनावत, अक्षय कुमार, इन लोगों में टैलेंट है। लेकिन आउटसाइडर के साथ आप इस पिछले क्लिप आपने देखे हैं कैसे बेइज्जती की जा रही है। कि ये नाम है या पूरा एड्रेस बता दिया, तेरी माँ की चूत बकरी की तरह बोलने वाला, तुझे लोगों ने स्टार बनाया है, तुझे खुश होना चाहिए, तुझे कोई देखकर स्टार बन रहा है और तू उनकी मंच के ऊपर बेइज्जती कर रहा है। आवाज है नहीं, लेकिन वही है कि इनका बोलबाला है। और वो बोलबाला क्यों है? क्योंकि जनता भोली है, जनता को मालूम नहीं है बॉलीवुड में क्या चल रहा है। लेकिन ये मसाल रुकनी नहीं चाहिए। इस प्रकार की, मैं नहीं कहता मेरी वीडियो, इस प्रकार की कोई भी वीडियो हो उसे वायरल करना आपका काम है, तब इन्हें इनकी औकात पता चलेगी। कंगना अकेली लड़ रही थी इतने दिन, लेकिन पिछले 5-7-10 दिन में इनके साथ आज कितने लोग खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? क्योंकि कंगना सच्चाई और झूठ से लड़ रही है। और ये गे, इसकी मैं क्या बात करूं, एक नंबर का चुगलीखोर इंसान है ये। अगर किसी स्टार का बच्चा रोने लग जाएगा तो ये भी रो देगा,
कि ये क्यों रो रहा है, तलवे चाटता है ये स्टारों के। तो सुसाइड नहीं किया राजपूत ने, उसे इस प्रकार से जलील किया जाता था। जो बोलते हैं कि बॉलीवुड हमारा परिवार है, उन परिवार वालों ने एक नौजवान को, एक अच्छे टैलेंटेड को ख़त्म कर दिया। बायकॉट कीजिए ऐसे लोगों को, दो शब्द तक नहीं बोल सके। जिन, चाहे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वहाँ पर इन लोगों ने दो शब्द तक नहीं बोले इतने अच्छे टैलेंट के लिए। तो वीडियो को दोस्तों कीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है, बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, पतंग भी उड़ाता है, और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है। लेकिन सर ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के दो चार लोग कहते होंगे।